দলত খাদ্যবস্তু কন্যাটোর মত আমি দিয়ে আইছিল। আজি একাদশ দিন আর একাদশ দিনত আমি যুব মৰ্চাৰ সৈতে একেলগে লগ হৈ আজি বাহানা অঞ্চলত আমি ইয়াৰ কাটতুল্লা, খিদিখান, মনাগুছিৰ প্ৰায় 500 পৰিয়ালক আজি আমি খাদ্যবস্তু যোগান ধৰিছোঁ। আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ কথা যে আজি ভাৰতীয় জনতা যুব মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তেজস্বী সূৰ্যজী ইয়াত পদাৰ্পণ কৰি আমাৰ বন্যাৰ্তসকলৰ খবৰ লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এই খাদ্য সামগ্ৰী ইয়াত আজি প্ৰদান কৰিছে। আমি আটাইয়ে সৌভাগ্যৱান, আমি তেখেতক হাজো অঞ্চলৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন। बारिश के वजह से बाढ़ बहुत बड़ा हो चुका है और पिछले दो हफ्ते में हम ये भी देखे हैं कि एक यशस्वी मुख्यमंत्री रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, सेंसिटिविटी के साथ कैसे काम कर सकता है। इसलिए एक प्रकार के रोल मॉडल पूरे देश में फ्लड सिचुएशन को कैसे मैनेज कर सकता है, इसका एक रोल मॉडल हिमांता बिस्व शर्मा दादा ने पूरे देश को एक पिछले दो हफ्ते में प्रदेश के सरकार के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के हजारों कार्यकर्ता, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकुर बरुआ जी के नेतृत्व में हजारों संख्या में लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहा है। और आज मैं स्वयं यहां आया हूं हाजो में, यहां के 500 से अधिक लोगों को फूड रेशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आज युवा मोर्चा की ओर से हुआ है। आने वाले दिन में भी जब तक ये राहत नहीं कम होगा तब तक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एकजुट होके एक दिन रात एक करके लगातार योगदान और सेवा करते रहेगा। और बाढ़ कम होने के बाद भी जो डिस्ट्रिक्ट्स में अफेक्ट हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट इससे पीड़ित है, उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आने वाले दिन में हेल्थ कैंप्स लगवाना, मेडिकल रिलीफ कैंप्स लगवाना, ऐसे सब काम, सेवा करने का काम युवा मोर्चा प्रदेश के सरकार के साथ मिलकर करेगा। मैं फिर एक बार इस संदर्भ में हिमांत दादा को और अंकुर जी को और सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। पूरे देश को कैसे एक संवेदनाशील मुख्यमंत्री और एक रिस्पॉन्सिबल युवा संगठन। খাদ্যবস্তু কন্যাটোর মাজত আমি দিয়ে আইছিল। আজি একাদশ দিন আর একাদশ দিনত আমি যুব মৰ্চাৰ সৈতে একেলগে লগ হৈ আজি বাহানা অঞ্চলত আমি ইয়াৰ কাটতুল্লা, খিদিখান, মনাগুছিৰ প্ৰায় 500 পৰিয়ালক আজি আমি খাদ্যবস্তু যোগান ধৰিছোঁ। আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ কথা যে আজি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তেজস্বী সূৰ্যজী ইয়াত পদাৰ্পণ কৰি আমাৰ বন্যাৰ্তসকলৰ খবৰ লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এই খাদ্য সামগ্ৰী ইয়াত আজি প্ৰদান কৰিছে। আমি আটাইয়ে সৌভাগ্যৱান, আমি তেখেতক হাজো অঞ্চলৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন। बारिश के वजह से बाढ़ बहुत बड़ा हो चुका है और पिछले दो हफ्ते में हम ये भी देखे हैं कि एक यशस्वी मुख्यमंत्री रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, सेंसिटिविटी के साथ कैसे काम कर सकता है। इसलिए एक प्रकार के रोल मॉडल पूरे देश में फ्लड सिचुएशन को कैसे मैनेज कर सकता है, इसका एक रोल मॉडल हिमांता बिस्व शर्मा दादा ने पूरे देश को एक पिछले दो हफ्ते में प्रदेश के सरकार के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के हजारों कार्यकर्ता, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकुर बरुआ जी के नेतृत्व में हजारों संख्या में लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहा है। और आज मैं स्वयं यहां आया हूं हाजो में, यहां के 500 से अधिक लोगों को फूड रेशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आज युवा मोर्चा की ओर से हुआ है। आने वाले दिन में भी जब तक ये राहत नहीं कम होगा तब तक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एकजुट होके एक दिन रात एक करके लगातार योगदान और सेवा करते रहेगा। और बाढ़ कम होने के बाद भी जो डिस्ट्रिक्ट्स में अफेक्ट हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट इससे पीड़ित है, उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आने वाले दिन में हेल्थ कैंप्स लगवाना, मेडिकल रिलीफ कैंप्स लगवाना, ऐसे सब काम, सेवा करने का काम युवा मोर्चा प्रदेश के सरकार के साथ मिलकर करेगा।
मैं फिर एक बार इस संदर्भ में हिमांत दादा को और अंकुर जी को और सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। पूरे देश को कैसे एक संवेदनाशील मुख्यमंत्री और एक रिस्पॉन्सिबल युवा संगठन।